प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सबको पता होगा कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। ग्रामीण इलाके में खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी माताओं और बहनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे उन महिलाओं को लाभ मिले जो ऐसे परिस्थितियों का सामना करती हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में सब कुछ जानेंगे स्टेप बाई स्टेप। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे सबसे पहले इस योजना का लाभ कौन कौन लोग ले सकते हैं और कौन कौन लोग नहीं ले सकते, इसी के बारे में हम जानेंगे। अगला है कि इसकी क्या पात्रता है, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं। उसके आगे आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इस योजना का जब हम लाभ लेंगे तो कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद की उज्ज्वला योजना के क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि योजना का लाभ लेने के लिए हम इसका फॉर्म कैसे फिल करें ताकि हम भी इस योजना का लाभ ले सकें। इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम लाभ की बात करें तो इस योजना के जरिए हम सबके घर में गैस चूल्हा होगा, जिससे महिलाओं को लकड़ी या फिर उपले का उपयोग नहीं करना होगा और महिलाएं आसानी से खाना बना पाएंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि माताओं और बहनों को अब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी, खास करके इसीलिए इस योजना की शुरुआत भी की गई थी। इस योजना के जरिए LPG के कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें कि इस योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं, तो एक बात ध्यान रहे कि अगर आप पुरुष हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, इसका लाभ सिर्फ महिलाएं ही ले सकती हैं जिनके नाम पहले से गैस कनेक्शन नहीं है। अगर उन महिलाओं के पास पहले से गैस कनेक्शन है तो ऐसी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती, या फिर उनके परिवार में किसी दूसरे के नाम से भी अगर गैस कनेक्शन है तो फिर ऐसी महिलाएं भी इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं ले सकती। ऐसी महिलाएं जिनका नाम BPL लिस्ट में नहीं है, ऐसी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। कहने का मतलब ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम BPL लिस्ट में होना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर आपका एज 18 साल से ज़्यादा है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं, 18 साल से कम एज वाले महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। इसके अलावा उनके नाम से किसी भी बैंक में खाता भी होना जरूरी है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन सिर्फ BPL परिवार के महिलाओं के नाम पर ही दिया जाएगा जो ग्रामीण निवासी हैं। अगर बात करें पात्रता की, तो आपका नाम 2011 की जनगणना लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना भी जरूरी है, जैसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, BPL राशन कार्ड तो सबसे पहले होना ही चाहिए, ये आवश्यक दस्तावेज हैं। इसके अलावा आप प्रधान पंचायत या फिर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा एक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें से आप आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड का यूज आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हाल ही का एक पासपोर्ट आकार साइज का फोटो होना चाहिए। फ्रेंड्स, हाल का मतलब होता है कि यही करीब 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और 6 महीने ज़्यादा पुराना हुआ तो फिर वो सही नहीं है, मतलब 6 महीने से कम का ही होना चाहिए। इसके अलावा बुनियादी विवरण जैसे नाम या फिर जो भी आपकी संपर्क जानकारी है, या फिर जनधन खाता या फिर बैंक खाता संख्या या फिर आधार कार्ड नंबर की आवश्यकता होगी इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए फॉर्म हम कैसे फिल करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, ऐसा फॉर्म आपके पास होना चाहिए, इस फॉर्म को आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट पे विजिट करके, या फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पे भी आप विजिट करके इस योजना के फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रथम नाम, पहला नाम आपका यहाँ पे डालना होगा। ध्यान रहे कि आप इस फॉर्म को सिर्फ काली स्याही के द्वारा ही फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर प्रथम नाम डालना पड़ेगा, फिर बीच में यहाँ पे मिडिल नाम डालेंगे, और यहाँ पे लास्ट में लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका नाम है डाल दीजिए। यहाँ पे जन्मतिथि आपको डालना है, यहाँ पे दिन महीना और साल डालना है, और यहाँ पे आपको एक फोटो अपना चिपकाना होगा। उसके नीचे यहाँ पे रसोई गैस कनेक्शन के लिए आपका पता देना जरूरी है, जो भी आपका पता है वो डालेंगे यहाँ पे, घर, फ्लैट, नाम, यहाँ पे भवन, जो भी जिस भी गली में रहते हैं आप यहाँ पे डाल देंगे, जिस भी आप शहर में रहते हैं यहाँ पे डालेंगे, और जो पंचायत है आपका, फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पिन नंबर वगैरह और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इस फॉर्म को नीचे कर देते हैं, तो ये देख लीजिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र के परिवार के सदस्य का विवरण यहाँ पे नीचे देना पड़ेगा, जो एक साथ आपकी रसोई में साझा करेंगे रहेंगे।
यहाँ पे देख लीजिए आवेदक के साथ संबंध आपका क्या है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उनका आप नाम डालेंगे, प्रथम नाम और अंतिम नाम इसी डब्बे में डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों का ही आप नाम ऐड कर सकते हैं। साथ ही उनका आधार संख्या क्या है यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन है, वो मेल है या फिर फीमेल है आप इस बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपको आधार कार्ड पे क्या नाम है वो नाम डालना है आपको। उसके नीचे यहाँ पे आधार की संख्या डालनी है, जो भी आधार नंबर है आपको इस बॉक्स में डाल देना है। साथ ही ध्यान रहे कि आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी भी इस फॉर्म के साथ आपको जमा करना होगा। उसके नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे खाता का विवरण देना होगा। यहाँ पे देख लीजिए बैंक खाता में आपका क्या नाम है वो डालेंगे। उसके नीचे बैंक का क्या नाम है इस वाले सेक्शन में डालना होगा। शाखा का ब्रांच कौन सा है वो इस वाले सेक्शन में डालेंगे। उस बैंक का IFSC कोड क्या है वो यहाँ पे डालना होगा। और बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पे नीचे सबसे देना पड़ेगा। उसके नीचे यहाँ पे राशन कार्ड विवरण देना पड़ेगा आपको। जारीकर्ता राज्य, जिस भी राज्य का आपका राशन कार्ड है वो यहाँ पे नाम लिखेंगे। और राशन कार्ड की संख्या क्या है, राशन कार्ड नंबर यहाँ पे नीचे लिख देंगे। थोड़ा सा हम इस फॉर्म को और नीचे कर लेते हैं, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि 14 किलो वाला सिलेंडर लेना चाहती हैं या फिर 5 किलो वाला। नीचे यहाँ पे देख लीजिए, क्या आपको वितरक से LPG स्टोव चाहिए। अगर चाहिए तो वहाँ पे टिक करेंगे, और नहीं तो फिर नहीं पे टिक करना होगा। नीचे यहाँ पे मैं के आगे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा। यहाँ पे आपको पिताजी या फिर अपने पति का नाम डालना होगा। यहाँ पे उम्र के सामने यहाँ पे आपका एज डालना होगा। और यहाँ पे आपको एड्रेस अपना, जिस जगह पे रहती हैं उस जगह का नाम डालना होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको अपना डेट डालना होगा। और नीचे यहाँ पे जो भी जगह पे रहती हैं आप उस जगह का नाम डालेंगे। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना होगा। और इस वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम और स्थान या फिल कर सकती हैं या फिर छोड़ भी सकती हैं, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगी और जमा कराएंगी तो यहाँ से फाड़ के आपको दे दिया जाएगा। सब कुछ सही सही भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज के साथ आप अपने निकट के गैस एजेंसी में इस फॉर्म को जमा करा दें। जमा कराने के 10 से 15 दिन के अंदर में ही आपका गैस कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है हम आपको उज्ज्वला योजना के संबंधित सारी जानकारियां दे पाए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसी टाइम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसे और यूजफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।